फिर उसको गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव नामित करती है और जब मसला हो जाए तो जुडिशरी उस मसले पे फैसला करती है। और ये सब कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और इस यानी इस सबसे ऊपर एक चीज है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम यहाँ सेंट्रल प्रिजन कराची में इकट्ठे हुए हैं एक 3 दिन के प्रोग्राम के लिए। ये पैरालीगल प्रिजन प्रोग्राम है। इसमें हम 3 दिन उन प्रिजनर्स के साथ काम करते हैं जिनको सेंटेंस मिल चुका है या मिलने वाला है। हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के तहत अपने लेसन्स पढ़े हैं। शुरू हमने किया इलेक्शंस के साथ और अदलिया के काम के साथ और आइन के साथ। लोगों ने ग्रुप्स में बैठ के अपने अपने नए मुल्क बनाए और उनके आइन तैयार किए। फिर उन्होंने थोड़ी सी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की कि कौन से वो हकूक हैं जो हमारे आईन में गारंटीड हैं और होने चाहिए। उसके बाद हम आ गए जुर्म और जराइम पे, जहाँ लोगों ने जराइम के साथ थोड़ा सा सोचा कि किस चीज़ को जुर्म बनाना चाहिए। ये काम भी उन्होंने ग्रुप्स में किया। उसके बाद हमने ट्रायल किया, उसमें एक्टिंग की और लोग जज बने, लोग डिफेंस बने, लोग प्रोसिक्यूशन बने। और हमने उसके अलावा और बातें भी की। हमने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात की, इनहेरिटेंस के बारे में बात की, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की, बच्चों के हक के बारे में बात की। और इन सब चीज़ों को हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ किया जिसमें हमने थोड़ा खेला थोड़ा पढ़ा। अभी 3 दिन का एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें सिर्फ कन्विक्ट आए थे। इनका प्रोग्राम यही है कि जो कैदी हैं अंदर उनको पता चले कि उनके हकूक़ क्या हैं और लॉ क्या कहता है, और जो लोगों के जहन में है कि ये सज़ा दी जाती है यहाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये करेक्शनल सेंटर है और हम इनकी इसलाह ही करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है जितने भी कैदी हैं ये सब पढ़ लिख के यहाँ से निकलें। तो इनका बहुत तावन रहा है हमारे साथ और कैदियों को ये सिखाते हैं रूल्स रेगुलेशन और जितने इनके हकूक़ हैं। 3 दिन के बाद ये पैरालीगल्स ट्रेन हो जाएंगे और फिर ये बाकी प्रिजनर्स के साथ यही एक्टिविटी बेस्ड लेसन्स कंडक्ट करेंगे। ये लेसन्स ज़्यादातर कानून के ऊपर मुश्तमिल हैं। हमारा मकसद ये है कि इन लेसन्स के बाद हम शहरी होने के नाते अपने हकूक़ और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर समझ सकें और हम बेहतर शहरी होने का काम पूरा कर सकें। शुक्रिया।